किरणधार सुंदर साहब जी, सिंधी वाणी का या खुदी का प्रकरण मैं खुदी की पहचान, मैं की पहचान के संबंध में यह प्रकरण है जिसकी पहली चौपाई में कहा है, मैं लाखों विध देखिया कहूं खुदी क्यों ये न जाए। संसार में हम रहते हैं तो स्वयं के अस्तित्व का भान होता है, क्योंकि जिस संसार में हम बैठे हैं इस संसार में मैं के बिना, अहं के बिना तो कुछ कार्य ही नहीं हो सकता। ना हम पानी पी सकते हैं, ना भोजन कर सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना हंस सकते हैं। परमधाम की परात्म का प्रतिबिंब आत्मा के रूप में इस जीव के ऊपर बैठकर खेल को देख रहा है। जीव ने शरीर को धारण किया है, 10 इंद्रियां भी हैं, 4 अंतःकरण भी हैं जो जीव के साथ जुड़े हुए हैं। हम अपने अंतःकरण से जो कुछ जान ग्रहण करते हैं उसके आधार पर सत्य को जानने का प्रयास करते हैं। इस संसार में यदि भावात्मक रूप से देखा जाए तो कोई अपने को ज्ञानी बनता है, कोई तपस्वी मानता है, कोई दयालु मानता है। अलग अलग भाव है कि मैं दयालु हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ या मैं विद्वान हूँ। शारीरिक दृष्टि से ये भावना बनी रहती है कि मैं सुंदर हूँ या कुरूप हूँ, या ठिकना हूँ या लंबा हूँ। लौकिक दृष्टि से भावना बनती है कि मैं धनवान हूँ या गरीब हूँ, मैं बहुत बड़े पद पर हूँ। ये सारी स्थितियाँ उन सुंदर साथ के साथ भी घटित होती है जो वाणी के मर्मज्ञ हैं, जिनको सैकड़ों हजारों चौपाइयाँ कंठस्थ हैं, अच्छे व्याख्यान भी दे लेते हैं, कुछ ध्यान भी कर लेते हैं, किंतु उन्हें मैं खुदी की स्पष्ट पहचान नहीं होती है। तारतम वाणी अक्षर अतीत के हृदय का बहता हुआ रस है और इसके द्वारा हम उस सत्य को जान सकते हैं। महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर स्वयं प्रियतम अक्षरातीत ने इस ब्रह्मवाणी को कहा है, इसलिए ब्रह्मवाणी का एक एक शब्द हमारे लिए ग्राह्य है और चिंतन के योग्य है कि धाम धनी ने किस प्रसंग में यह बात कही है। इसमें मैं की पहचान दे दी गई है। इस प्रकरण को हम बार बार पढ़ते हैं, पूरी वाणी का हम कई बार पाठ करते हैं, किंतु पढ़ करके भी हमें अपने स्वयं की पहचान नहीं हो पाती है। कारण क्या है? जो ज्ञान इस प्रकरण में दिया हुआ है वो हमारे हृदय में नहीं उतर पाता, केवल चिंतन मनन का विषय रह जाता है। कुछ समय तक जब हम चिंतन मनन में स्वयं को लाते हैं तो हम कह देते हैं हम भी तो वही हैं जो राजी हैं, किंतु जैसे ही चिंतन से ये बात हटती है हम संसार के धरातल पर स्वयं को पा लेते हैं। वही प्रतिष्ठा, वही पद, वही धन, वही सुख सुविधाएं, वही इंद्रियों के आकर्षण हमको कहीं ना कहीं घेर लेते हैं, क्योंकि यह जो ज्ञान है हमारी आत्मा को प्रेरित करने के लिए दिया गया है। जब तक वो हृदय में पूरी तरह से आत्मसात न हो जाए तब तक उसका रस वास्तव में मिल नहीं पाता। जैसे हमें कोई स्वादिष्ट मिठाई दे दे और लिखित में बता दे कि यह मिठाई इतनी गुणवत्ता की है, हम बार बार उस लिखी हुई बात को पढ़ते तो हैं, कहते हैं कि मिठाई अच्छी है, मिठाई अच्छी है, किंतु मैं स्वयं क्या हूँ इसकी पहचान तो तब होगी जब हम आत्मिक धरातल पुरुष को देखेंगे। जैसे मिठाई के गुण बखानने से हमें उसके रस की अनुभूति नहीं हो सकती, उसी तरह से ब्रह्मवाणी में या सिंधी के इस प्रकरण में जो मैं खुदी की पहचान दी गई है उसकी केवल व्याख्या करने से, उसको याद करने से या कथन मात्र से हमें स्वयं की पहचान नहीं हो सकती। जब तक हम सुनेंगे, जब तक कहेंगे, तब तक ये मानते रहेंगे कि हाँ ऐसा है। जैसे
इसी प्रकरण में एक चपाई आती है, इश्क मांगो तो भी गुनाह और खुदी ये भी गुनाह हो। यदि हम राज्य से प्रेम मांगते हैं कि राज्य हमसे प्रेम की दीजिए, तो ये गुनाह लगता है, क्योंकि मैं यहाँ क्यों खड़ी हो जाती है। इस पूरे प्रकरण का सार तो यही है कि परम धाम में हमारे और राज्य के बीच में कोई पर्दा नहीं है। राज्य का ही स्वरूप सभी रूपों में लीला कर रहा है, क्योंकि इस प्रकरण के 22वीं चौपाई में कहा गया है, दिल मोमिन का अर्श है, जो देखे अर्श मोमिन, हक चाहे बैठाया अर्श में, तो तेरे ही आगे नहीं है तन। दिल मोमिन का अर्श है, इसका तात्पर्य क्या है? ब्रह्मात्मा का हृदय ही तो प्रीतम का धाम है। जिसके हृदय में प्रीतम रहते हैं, उस पर माया का आवरण कैसे पड़ सकता है? उसके ऊपर संसार की मय खुदी का प्रभाव क्यों कैसे पड़ सकता है? इस चौपाई से पूर्व की चौपाई में कहा है, देख आप दिल विचार के, दिल मोमिन अरस परस। ब्रह्मात्मा और प्रीतम अरस परस से एक ही स्वरूप सभी रूपों में क्रीड़ा कर रहा है। जब हम संसार के सभी द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं, शरीर भाव से, संसार भाव से, जीव भाव से, तो क्या होता है? हमारी आत्मा का शुद्ध स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। और जब हम राज्य के प्रेम में और डुबकी लगाते हैं, तो लगता है कि हम और वो तो एक ही हैं। सूफी फकीर मंसूर ने इस तरफ कुछ कदम बढ़ाने का प्रयास किया था, किंतु तारतम्य ज्ञान के अभाव में वो यथार्थ रूप से नहीं जान सका। आप सोचिए, यथार्थता कुछ भी रही हो, उस सूफी फकीर को, मंसूर को कट्टरपंथियों ने जलवा डाला, उसकी राख को नदी में फेंकवा डाला, फिर भी जहां जहां वो राख बहती है, उसके शरीर की राख, वहां से अनालक अनालक की आवाज गूंजती है। उसके शरीर की जला, उसके शरीर का एक एक रोम अनालक अनालक के भावों से ओतप्रोत है। मैं खुदा हूं का कथन तो वेदांत के ग्रंथों में भी कहा गया है, ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वं खलिदं ब्रह्म। ये वेदांत के विद्वान इस वाक्यों को बार बार उद्धृत किया करते हैं, किंतु कथन मात्र कुछ और है। अहम ब्रह्मास्मि कह देना या अनालक कह देना बहुत सरल है, किंतु उस भाव में भावित होना कठिन होता है। उस भाव में भावित होने के लिए शरीर भाव से, संसार भाव से, जीव भाव से परे होना पड़ेगा। लोहे का टुकड़ा जब आग में तपाया जाता है, तो वो वैसे ही तपने लगता है। यदि देखा जाए तो हम सुंदर साध्वी वाणी को बार बार पढ़ते हैं, इसी सिंधी की चौपाई, हक नजीक से रख से आड़ो पटना द्वार, खोली आंखें समझ की देखती न देखे बरदार, ये भी पढ़ते हैं, किंतु हम अपने हृदय से पूछें, क्या हमसे कर्मकांड छूट पाते हैं? क्या हमसे ऊंच नीच की भावना छूट पाती है? क्या हम स्वयं को जान पाते हैं कि हम कौन हैं? क्या हमारे सुंदर साथ के बीच में गरीब और अमीर की खाई मिट पाती है, या गुजराती पंजाबी नेपाली यूपी बिहारी की खाई मिट पाती है? नहीं। हम सुंदर साथ चाहे कितनी भी चौपाइयां याद कर ले, कितनी भी चौपाइयों की व्याख्या करते हैं, हमारे अंदर एक दूसरे से ऊंच नीच की भावना नहीं जा पाती है। जो धर्म के बड़े बड़े अग्रगण्य व्यक्ति हैं, वो अपने आसन पर किसी सामान्य सुंदर साथ को बैठने देने के लिए राजी नहीं होते। आखिर कहां वो परमधाम की ब्रह्मवाणी की आवाज चली जाती है? यदि आत्म सवनी एक दिशे जुजवी तिदिशे देह की बात कही जाए, तो वह बोध होते हुए तो हमें सबके अंदर एक आत्म तत्व को देखना चाहिए था। हमसे अच्छे तो संसार वाले हैं, जो कहा करते हैं कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिन सुनिचा विवस्व पाके चा पंडिता समदर्शिना।
पंडित जिसको समदर्शी कहा जाता है, पंडित वह है जो विद्या और विनम्रता से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में और चंडाल में एक तत्व को देख रहा हो, जिसको ब्राह्मण में और चंडाल में भेद प्रतीत न हो। उसको लगे कि जो चेतन तत्व ब्राह्मण में है वही चंडाल के अंदर है, जो कुत्ते में है और वही गाय में भी है। कुत्ता अपवित्र प्राणी माना जाता है क्योंकि कई बार अभक्ष मांस का भी भक्षण कर देता है, जबकि गाय में पौराणिक मान्यता के अनुसार देवताओं का वास माना जाता है, दिव्यताओं का वास है गाय के अंदर। इसलिए कहा जाता है धेनु प्रिया तथा मान्या वंद्या मातेव सर्वदा, माता की तरह उसको पूज्य माना गया है, कोई कुत्ते को अपने पास बैठने नहीं देता। किंतु कुत्ते में भी वही चेतना है जो गाय के अंदर है, सब में एक चेतन तत्व को देख रहा है वही पंडित कहला सकता है। ब्रह्मज्ञानी की उपाधि तो इससे परे होती है और ब्रह्मज्ञानियों में भी श्रेष्ठ ब्रह्म मुनि कहलाना तो बहुत गौरव की बात होती है। हम सुंदर साहब ये दावा तो ले लेते हैं कि हम ब्रह्मुनि हैं, परम धाम से आए हैं, इस संसार से हमारा कोई भी संबंध नहीं है। किंतु क्या हम कभी सोचते भी हैं कि ब्रह्मुनियों के समूह में जाति पाति, गरीब अमीर, प्रांतवाद क्षेत्रवाद कहाँ से पैदा हो जाता है? राग देश का ज्वालामुखी हमारे हृदय में क्यों भरा रहता है? क्योंकि हम स्वयं को नहीं जानते, ज्ञान दृष्टि जानते हैं क्योंकि हमने चौपाइयों को पढ़ रखा है और वे चौपाइयां स्वयं श्री राज्य की कही हुई है। चौपाइयों को पढ़कर तो हम कह देंगे कि हम वहदत के स्वरूप हैं, वहदत की मार्फत हमारी प्रीतम है, हम वहदत की मार्फत को जानते हैं, इसके की मार्फत को जानते हैं, इल्म की मार्फत को जानते हैं। हम व्याख्यान में तो धारा प्रवास कुछ भी हम कह सकते हैं, किंतु एक चौपाई बहुत कुछ कह देती है, इश्क मांगू तू भी गुना और खुदी ये भी गुना होए, यदि मैं प्रेम चाहती हूँ, यदि राज्य से मैं प्रेम मांगती हूँ तो गुनाह लगता है, क्योंकि कौन किससे मांगे? हक को हक देखत इत हुई फरमुजी रंचक, हक को हक देखत दो हक कौन से हो गए? राज्य तो हक है, सखियां भी हक हैं, हक को हक देखत सखियां भी हक के स्वरूप हैं, इसलिए राज्य को राज्य देख रहे हैं। परमधाम में दो राज्य जी तो है नहीं, एक ही राज्य का स्वरूप सभी रूपों में क्रीड़ा कर रहा है। किंतु स्वयं की यदि पहचान हो जाए, जिसके लिए यह खेल बनाया गया, क्या हम नहीं जानते हैं कि परमधाम में हम राज्य के साथ अनंत काल से लीला कर रहे हैं? किंतु हमें न राज्य के स्वरूप की पूरी पहचान थी, न अपने स्वरूप की पूरी पहचान थी, हकीकत में जानते थे, मार्फत में नहीं। यदि यह बोध होता कि राज्य का ही दिल हमारे स्वरूप में क्रीड़ा कर रहा है और हम और राज्य दो नहीं है, तो ये राज्य की पूर्ण पहचान होती। यह पहचान देने के लिए ही राज्य ने यह खेल बनाया है। आम के पेड़ से यदि एक फल तोड़ लिया जाए तो क्या उस फल को अलग हो जाने पर आम से अलग कर सकते हैं? है तो वो आम ही, चाहे किसी भी डाल पर लगाओ। आम के वृक्ष में जो आम का तत्व भरा है फल देने का, वही गुण प्रकट हो जाता है तो आम के फल दिखने लगते हैं। इसलिए आम के फल को तोड़ने के बाद भी आम से अलग नहीं कहा जा सकता। अक्षरातीत का हृदय ही तो सभी रूपों में क्रीड़ा कर रहा है, सखियां भी वही हैं, खुशखुशालियां भी वही हैं, 25 पक्ष भी वही हैं। यदि हम इस स्वरूप को हम जान जाएं तो क्या स्थिति हो जाएगी हमारी? हम कुटस्थ होकर के बैठ जाएंगे। अभी तो हमारी स्थिति यह है कि हमने राज्य को एक देवता बना रखा है, राज्य को देवता बना रखा है, श्यामा जी को देवी बना रखा है, तभी तो हम चूड़ियां चढ़ाते हैं, साड़ियां चढ़ाते हैं, ये जैसे देवी के मंदिरों में नारियल चढ़ा चढ़ा करके मन्नतें मांगी जाती है, हम भी नारियल भोग प्रसाद चढ़ा करके मांगा करते हैं। हमें स्वरूप का बोध नहीं है,
हम यथार्थ में है कौन? तभी तो कहा है, इश्क मांगू तो भी गुनाह और खुदी ये भी गुनाह हो गए। यदि मैं का अस्तित्व खड़ा होता है तो ये तो गुनाह हो गया, क्योंकि हमने और धनी के बीच में एक पर्दा कहां से आ गया। सागर की लहर सागर से अपने को अलग कैसे समझने लगी? और अलग समझना ही तो गुनाह है, और फिर अलग समझ करके इश्क मांगना। हाँ, जब तक हम अध्यात्म के उस स्तर पर नहीं पहुंच पाते तब तक हमें मांगने का अधिकार है। जो कीर्तन में महामती जी ने कहा, ना चाहूं मैं बुजुर्ग की, ना चाहूं खिताब खुदा है, इश्क दीजो मुहे आपनों मेरा यही सो मुद्दा है। किंतु यह सिंधी की वाणी है, खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार के अवतरण के पश्चात। आत्मचिंतन के लिए सिंधी की वाणी है कि हमने मैं खुदी को कितना पहचाना। यदि हम स्वयं को राज्य का आशिक कहते हैं तो हमसे क्या गुनाह हो रहे हैं? हमने राज्य के प्रेम को छोटा कहा था, अपना प्रेम बड़ा बताया था कि हम आशिक हैं। किंतु यदि आप आशिक हैं तो इस संसार में आकर आप क्या भूले कर रहे हैं? यह आत्ममंथन की घड़ी है। कहीं हम मैं खुदी का एक पहाड़ तो नहीं खड़ा कर दे रहे हैं? और सच है, मैं खुदी का पहाड़ बहुत बड़ा है। थोड़ा सा धन देते हैं तो सोचते हैं कि ये धन की स्मृति बनी रहे कि मैंने ये दिया था। आपके पास क्या था? परमधाम से आप कितना धन लेकर आए? आप अपने सौंदर्य की वृद्धि दूसरों को दिखाना चाहते हैं, आप अपने पद की गरिमा दूसरों को दिखाना चाहते हैं। धार्मिक क्षेत्र में भी ये चलता रहता है, कौन महाराज का ऊंचा आसन है, किस महाराज के साथ कितने शिष्य हैं, किस महाराज की बड़ी गाड़ी है, ये क्या है। ज्ञान के क्षेत्र में भी ये चलता रहता है कि किस सुंदर साधक को कितना ज्ञान है, उसके जैसा कोई विद्वान नहीं। ये सब कुछ माया है। यदि हम निज स्वरूप को जान जाएं तो इन सारे द्वंद्वों से हम परे हो जाएंगे, जिसमें किसी तरह का धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, सौंदर्य का कोई अहंग नहीं रह जाएगा। ये तो संसार की उपलब्धियां हैं हमारे और धनी के बीच में। ये इतने बड़े बड़े पर्दे कहां से आ जाते हैं? क्योंकि हम स्वयं को नहीं जानते। एक बात कही जाती है कि यदि हमें अनुभव हो जाए तो शायद हम जान सकें। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि सदगुरु धनी सिद्धदेव चंद जी के तन से राज्य ने आड़िका लीला क्यों करवाई। इसका एक ही उद्देश्य था कि परमधाम की वाणी अवतरित नहीं हुई थी, आड़िका लीला देकर सुंदर साथ को विश्वास हो जाएगा कि वे ही परमधाम से ब्रजराज में आए थे और अभी जागनी के ब्रह्मांड में आए हैं। ब्रह्म सृष्ट होते ब्रजराज में प्रेम हो तो लक्ष्य बिन, सो लक्ष्य अवल कुल्याय रूहल्ला पर न था आखिर इलम पूरन। सदगुरु धनी सिद्धदेव चंद जी ने अपनी चर्चा के द्वारा ब्रजराज और धाम की भी सुध बता दी, किंतु जागने की सुध नहीं थी, आखिरी इलम नहीं था। आखिरी इलम का तात्पर्य खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार का ज्ञान विस्तृत रूप में। सतगुरु धनी सिद्धदेव चंद जी परम धाम का विवरण करते हैं जो परिक्रमा ग्रंथ में दर्शाया गया है। राज्य श्यामा जी के नक्श से सिक्त की शोभा का विवरण करते हैं किंतु संक्षिप्त रूप में। सागर श्रृंगार की चौपाइयों में जो मार्फत का रस दिया गया है वो उस समय वर्णन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो दूसरे तन की शोभा थी। जब श्यामा जी दूसरे तन में विराजमान होंगी, जिसको महामती जी का तन कहते हैं, उसमें तारतम का तारतम अवतरित होगा, और उस तारतम के द्वारा जब सुंदर साथ चितवनी में डूबेंगे, स्वयं के स्वरूप को देखेंगे और उस स्वरूप से राज्य के दिल में डुबकी लगाएंगे तो उन्हें वास्तविक स्वरूप का बोध होगा। हमें स्वप्न में भी राज्य का अनुभव हो सकता है, चितवनी में भी झलक मिल सकती है। श्री देवचंद जी के तन से जो आड़िका लीला हुई थी, जिसमें सुंदर साथ ने राज्य को कृष्ण जी के साथ अनेक रूपों में देखा, वो हमें केवल विश्वास पर खड़े करने के लिए होता है। जब हम शरीर से, संसार से परे होकर आत्मभाव से परात्म का श्रृंगार करके जब मूल मिलाव में पहुंचेंगे, राज्य को प्रत्यक्ष देखेंगे
और उनके प्रेम में स्वयं को इतना डुबो देंगे, तब हमें वहदत की मारिफत का पता चलेगा। इसके पहले वहदत की मारिफत का जो वर्णन तारतम वाणी में दर्शाया गया है, चाहे वो परिक्रमा में हो, सागर में हो, श्रृंगार में हो, सिंधी में हो, हम पढ़ करके केवल कह भर सकते हैं कि हम भी राज्य के स्वरूप हैं। खुलासा तक में यह बात कह दी गई है, ना अर्श जिमिया दूसरा कोई और धरावे ना है, परमधाम में कोई दूसरा नहीं है। फिर भी जब हम खिल परिक्रमा ग्रंथ पढ़ते हैं, चर्चनी का प्रसंग दोहराते हैं, तो हम पशु पक्षियों को रंगमहल में घुसने नहीं देते, एक दीवार खड़ी कर देते हैं। खूब खुशहालियों को पुखराज की हवेलियों में रख देते हैं, रंग की हवेलियों में रख देते हैं। हम सोचते हैं कि खूब खुशहालियां तो केवल परमात्माओं की सेवा के लिए है। हम ये नहीं जानते कि उन खूब खुशहालियों के रूप में स्वयं श्री राज्य ही हैं, पशु पक्षियों के रूप में स्वयं श्री राज्य ही हैं और आशिक बनकर अपनी आत्माओं को रिझा रहे हैं। आत्माएं राज्य श्यामा जी को रिझा रही हैं और वे सोच रही हैं कि हम तो पल पल इनको रिझा रही हैं। उनको यह पता नहीं कि उनको राज्य पशु पक्षी बनकर के रिझा रहे हैं, एक एक कण के रूप में वही स्वयं उपस्थित है। और जब उस प्रेम में डूबने के बाद परम धाम के एक एक कण से एक ही पुकार निकलेगी, सर्वम खलेदम ब्रह्म, सब कुछ राज्य का ही स्वरूप है। किंतु मार्फत की उस अवस्था में डूब जाने के बाद किसी को बोध नहीं रहता। इस मायावी जगत में जहां तृष्णा ही तृष्णा है, माया के अतिरिक्त कुछ नहीं, जीव नारायण की चेतना का प्रतिभास है तो नारायण अक्षर ब्रह्म के मन की चेतना का प्रतिभास है। सब कुछ स्वप्नवत है, स्वप्न के समान सब कुछ भासित हो रहा है, हर पल बदलता जा रहा है। आज सूरज है, कल भी सूरज दिखेगा, लेकिन कुछ न कुछ परिवर्तित रूप में। हमारा शरीर आज भी है, लेकिन परिवर्तन इतने धीरे धीरे होता है कि पता ही नहीं चलता। 10 साल के बाद चलता है पता कि हमारे शरीर में कुछ न कुछ परिवर्तित हो गया है। संसार में स्थिरता नहीं है, संसार में गतिशीलता है। हर अणु परमाणु कंपन कर रहे हैं और कंपन इस सृष्टि का कारण है। जिस क्षण कंपन बंद होगा उसी क्षण प्रलय हो जाएगा, लेकिन जब तक कंपनशीलता है तब तक परिवर्तनशीलता को कोई रोक नहीं सकता। परमधाम में कुछ भी परिवर्तित होने वाला नहीं है, क्योंकि सभी कुछ राज्य का स्वरूप है। और इस संसार में एक बात कही जाती है कि जो होए मुझ पे इश्क तो देखो ना खुद ही हुक्म। हमें स्वयं के अस्तित्व का भान तब हो रहा है ना जब हमारे पास प्रेम नहीं है। यदि प्रेम हो जाता हमारे पास तो हमें स्वयं के अस्तित्व का भान नहीं होता। राज्य का हुक्म सब कुछ करवा रहा है, तो क्या राज्य के हम हुक्म तले हैं या उन्हीं के स्वरूप हैं? जब तक हमारी आत्मा निद्रा में है तब तक हम राज्य के हुक्म के अधीन है। राज्य के दिल की चाहत से ही सब कुछ हो रहा है। किंतु जिस क्षण हम स्वयं को राज्य के स्वरूप में विलीन कर लेंगे तो हमारी आत्मा से ये आवाज आएगी कि हम ही हैं हक हुक्म, हक के हुक्म भी हम भी हैं। हम और राज्य दो है ही नहीं, इसलिए राज्य के दिल में जो इच्छा होती है वही इच्छा हमारी भी है। उनकी इच्छा हुई कि परम धाम की आत्माएं खेल में आए तो हमारी नजर आई, नहीं तो नहीं आ सकती थी। हमारा कोई पृथक अस्तित्व तो नहीं है, हमसे भूल यह होती है। कभी हम हुक्म के साए में जीते हैं, कभी कहते हैं कि राज्य का दिया हुआ इल्म है, क्योंकि हमने माया का तन धारण किया है। और इस मायावी तन को धारण करने के बाद उस ब्राह्मी भाव में आना बहुत कठिन होता है। ये तो तब होगा जब हम चितुनी में डूबकर उस प्रीतम को प्रत्यक्ष देखें, उनके नेत्रों को देखते हुए उनके हृदय में डूब जाए और उनके हृदय में डुबकी लगाकर स्वयं के अस्तित्व को भुला दे। सामान्यतः तो यही होता है। जैसे हमें बचपन से सिखाया जाता है, हमें नौदा भक्ति सिखा दी जाती है, चरणामृत भोग प्रसाद, राज्य को खुश करना है, अच्छे बागे चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन हमें प्रेरित नहीं किया जाता कि हम चितौनी में बैठकर शरीर और संसार से परे भाव होकर
उस अवस्था में पहुंचे जिसके लिए कभी मनीषियों ने कल्पना की थी, सूफी फकीरों ने अनहलक अनहलक की आवाज गुजाई थी। मंसूर को पत्थर मारा जा रहा है फिर भी वह अनहलक अनहलक कह रहा है, वो भी क्या मस्ती रही होगी मंसूर की। हम वेदांत के उन विद्वानों से और अनहलक जैसे अनहलक की आवाज गुंजित करने वाले मंसूर जैसे सूफी फकीरों के आगे हम शर्मिंदा हो रहे हैं। उन्होंने तो अनहलक की भावना को आत्मसात कर लिया, हमसे नहीं हो पा रहा है। हम तो देवता के भक्त बने हुए हैं, राज्य को देवता बना दिया, उनके लिए 56 भोग जुटा रहे हैं। सुंदर साहब के बीच में दीवारें खड़ी हैं, राग द्वेष के बंधन इतने मजबूत हैं कि उनको हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। हम आपस में भी प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, एकात्म की भावना से नहीं देख पा रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में यह दावा करना कि हमने वहदत के स्वरूप को जाना है, वहदत की मार्फत के स्वरूप को जाना है, स्वयं की पहचान की है, संभव नहीं है। इसलिए महामती जी की आत्मा कह रही है, मैं लाखों विद देखिया कहूं खुद ही क्यों ये न जाए। मैंने बार बार यह प्रयास किया किंतु मेरे अंदर से मैं खुदी की भावना नहीं जा रही है। और यदि हमने मैं खुदी को यथार्थ में पहचान लिया कि मैं कौन हूं, तो यह सरलता से चली जाएगी। मैं खुदी का तात्पर्य राज्य से स्वयं को पृथक रूप में अनुभव करना। समस्त भारतवर्ष को जीतने के पश्चात आदि शंकराचार्य भी इस कसौटी पर स्वयं को खरा सिद्ध नहीं कर पाए थे। तभी तो गंगा स्नान करके लौटते समय सामने आते हुए चंडाल को देखकर कह पड़े कि चंडाल तुम सामने से हट। चंडाल कहता है कि आचार्य कौन हटे, ब्रह्म के सामने से ब्रह्म को हटने की क्या हो सकता है। जिस सूर्य का प्रतिबिंब गंगा जल में पड़ता है और उसी सूर्य का प्रतिबिंब गंदे जल में भी पड़ता है, तो सूर्य के ऊपर क्या विकार हो गया। जब आप कहते हैं कि अर्थ अर्थ श्लोकेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिवि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म न एव अपरा, जीव ब्रह्म दो नहीं है, तो एक ब्रह्म का चिदाभास चंडाल के तन में है और एक ब्रह्म का चिदाभास ब्राह्मण के तन में है। तो चिदाभास चिदाभास में अंतर कैसे हो गया, अंतर तो ब्राह्मण और चंडाल के शरीर में है। शंकराचार्य को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने अपना शीश उस चंडाल के चरणों में रख दिया। शंकराचार्य ने अपनी भूल तो मान ली, किंतु हम सुंदर साथ क्या अपनी भूल मानने के लिए तैयार हैं? नहीं। यदि हम शंकराचार्य के पदचिन्हों पर चल पड़ तो शायद हमारे समाज में गादी परंपरा ही नहीं होती। कैसी यह विडंबना है कि जिस समाज में परमधाम का ज्ञान अवतरित हुआ हो उस समाज में किसी व्यक्ति को एक गादी जो लकड़ी और रुई से बनी होती है, जिसको एक दर्जी और लकड़ी का काम करने वाला मिलकर के बना देते हैं, बढ़ई और दर्जी की कारीगरी से गद्दी का निर्माण होता है और उस पर जिसको बैठा दिया जाता है उसको राज्य का स्वरूप माना जाता है, चाहे उसको राज्य का कुछ भी अनुभव न हो। और वह व्यक्ति स्वयं अब स्वयं को सब सुंदर साथ से अलग मानने लगता है। वह दूसरों के साथ बैठ नहीं सकता, दूसरों के साथ खा नहीं सकता, दूसरों के साथ रह नहीं सकता। यदि हमने परमधाम के संबंध को पहचाना है तो शायद हम राज्य से एक रूप हो जाने में ही अपने जीवन का लक्ष्य समझेंगे। महामती जी की आत्मा कह रही है कि मैंने लाखों प्रकार से देखा किंतु ये जो संसार में हमने जिस खुदी को पकड़ रखा ये जा नहीं पाती। ये क्यों जावे पेड़ से जो दूजी हके दई आप दिखाए, जो दूजी हके दई दिखाए।
हम राज्य की अंगना है, राज्य को रिझाना है, यह भाव परमधाम से ही रहा है। ये क्यों जावे पेड़ से जो दूजी हके नहीं देखा है। ये जो मैं खुद ही है, मैं हूं, ये तो परमधाम से बनी हुई है। इस संसार में आने के बाद इसने माया का लिबास भी अलग से ओढ़ लिया कि मेरे जैसा कोई नहीं। परमधाम के वैदत में होने से सभी सखियां राज्य को रिझाती हैं, किंतु सबका सम्मिलित कथन एक ही है कि हमारा इश्क बड़ा है। वे स्वयं में वहदत मानती हैं, लेकिन वहदत के मारिफत को नहीं जानती कि हम भी राज्य के स्वरूप ही हैं। इस खेल में आने के बाद अलग अलग ब्रह्मात्मा ने अपना अलग अलग वजूद खड़ा कर लिया है। जैसे चर्चा करने वालों में ये द्वंद रहता है कि मेरी चर्चा सबसे अच्छी होनी चाहिए, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे बड़ा विद्वान हूँ, मैं सबसे अच्छी चर्चनी जानता हूँ, मेरी रहनी सबसे अच्छी है। ये सब कुछ किसकी देन है? माया की देन है। माया से हमारी मैं खुद ही कुछ अलग तरीके की हो गई है। परमधाम में जो मैं खुद ही थी वो अलग तरीके की थी। परमधाम में मैं खुद ही का तात्पर्य राज्य की अंगना होना है, किंतु मैं के अस्तित्व को यदि राज्य के प्रेम में डुबो दिया जाए तो स्थिति क्या बनेगी? अंग और अंगी क्या दो होते हैं? लहर जब उमड़ रही है तभी तो वो सागर है। लहर उमड़ना बंद कर दे, सागर में के जल में विलीन हो जाए, तो वो सागर कहलाएगी, लहर नहीं। गंगा तभी तक वो गंगा है जब तक वो सागर में नहीं मिली होती है। सागर में मिलने के बाद गंगा के जल को गंगा जल नहीं कहा जाता, सागर का अगाध जल कहलाता है। वैसे ही जब हम लीला रूप में हैं तो स्वयं को अंगना कहते हैं, परमधाम की ब्रह्मात्मा कहते हैं, किंतु हम यह तो सोचें कि हमारा निज स्वरूप क्या है। हमारा निज स्वरूप यदि परात्मा है तो सबके परात्मा में वहदत है, सभी वहदत स्वरूपा हैं, एकत्व की स्वरूपा हैं, सबका श्रृंगार, सबका प्रेम, सबका आनंद, सबकी शोभा एक समान है। और यह शोभा स्वलीला अद्वैत परमधाम के अंदर राज्य से अलग स्वरूप कैसे धारण कर सकती है? यदि इस अवस्था को देखें तो शायद हमारी स्थिति कुछ और हो जाएगी। हम इस संसार में कह सकते हैं कि जिस संसार में हम आए हैं ये त्रिगुणात्मक संसार है, सबकी बुद्धि समान नहीं हो सकती, सबका पद समान नहीं हो सकता। यहां तो एक स्वामी रहेगा, एक सेवक रहेगा। सभी स्वामी नहीं बन सकते, सभी सेवक नहीं हो सकते, सभी विद्वान नहीं हो सकते, सभी मूर्ख नहीं हो सकते, सभी कुरूप नहीं हो सकते और सभी सुंदर नहीं हो सकते। यहां तो ऊंच नीच का संसार है, किंतु हम सुंदर साथ को व्यवहार में इसको निभाते हुए भी हमें आंतरिक दृष्टि एकत्व का बोध होना चाहिए। यदि सभी सुंदर साथ बुद्धिमान हो जाए तो कौन चर्चा किसको सुनाएगा? क्योंकि सभी समान रूप से जाता हो जाएंगे तो इस सृष्टि की मर्यादा ही समाप्त हो जाएगी। इस तरह भले ही हमें राज्य ने ज्ञान दिया हो, कितना अगाध ज्ञान हमारे हृदय में है और उस ज्ञान को फैला रहे हैं, तो जो सुंदर साथ हमारी चर्चा सुनते हैं उनको हम मूर्ख न समझें, उनकी बुद्धि का स्तर कम हो सकता है, बौद्धिक धरातल पर वो बहुत छोटे हो सकते हैं, किंतु आत्मिक धरातल पर हमें सोचना होगा कि उसके अंदर भी परमधाम की आत्मा है और उसकी आत्मा में हमारी आत्मा में कोई भेद नहीं है। हम परमधाम में अनाद के संगी हैं और परमधाम के वदत में दोनों के अंदर समान ज्ञान है, समान प्रेम है, समान आनंद है, समान रूप से एकत्व का रस क्रीड़ा करता है। जब हम ये सोचेंगे तो निश्चित है कि हम मैं खुद ही के बंधनों को काट सकेंगे, किंतु होता तो यही है कि हम संसार के द्वंद्वों में स्वयं को फंसकर संसार की दृष्टि से परम धाम के सुंदर साथ को भी देखने लगते हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी वही भावना कर लेते हैं। तभी तो इंद्रावती जी की आत्मा के धाम हृदय में
विराजमान होकर राजी ने इस सिंधी ग्रंथ में मैं खुदी की पहचान का जो प्रकरण दिया है, इसका सार तत्व तो एक ही बात में घटित होता है कि हम परम धाम की दृष्टि से, परम धाम के भावों से ही राज्य को देखें, स्वयं को देखें और सभी सुंदर साथ को देखें। इस संसार के अंदर आने के बाद हमने जो कुछ संसार से लिया है, संसार से हमने पद लिया है, प्रतिष्ठा ली है, कुछ और चीजें ली है, इसको न देखें। परमधाम के दृष्टि से जब हम सबके अंदर बैठी हुई परमधाम की चेतना को देखेंगे और उसमें परमधाम की वहदत की दृष्टि से देखेंगे तो परिणाम क्या होगा? हम सभी विकारों से परे हो जाएंगे। हमें लगेगा कि हम हक में, हक हम में और हक बिना सब ख्वाब, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए यह प्रकरण तो हमारी आत्मा को झकझोरने के लिए है। हमारी उम्र बीत जाती है किंतु स्वयं की पूर्ण पहचान नहीं हो पाती। कहने के लिए हम कह देते हैं कि हम परमधाम की ब्रह्मात्मा है, हमारे और धनी के बीच में किसी तरह का कोई पर्दा नहीं रह गया है, हम भी राज्य के अंग हैं और सब सुंदर साथ परमधाम से आए हैं। ये बातें सारी कही जाती है किंतु ये सिंधी की वाणी तो पूछ रही है कि सागर को आपने पढ़ा, श्रृंगार को चिंतन में आपने लाया है, आप श्रृंगार की एक एक चौपाइयों में डूब गए हैं, खिलवत का भी रस आपको पहले मिल चुका है, परम धाम की 25 पक्षों की परिक्रमा ग्रंथ में भी आपने डुबकी लगाई है, फिर भी आप स्वयं को क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? आप स्वयं से राज्य को अलग क्यों मान रहे हैं? यदि आप मान भी लिए कि मैं परमधाम की ब्रह्मात्मा हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, तो आप दूसरों को सेवक क्यों मानते हैं? दूसरों से स्वयं को श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? अपने से हीन भावना में दूसरों को क्यों रखते हैं? क्योंकि हमने अपने को स्वयं को कभी नहीं पहचाना। एक दीपक जलता है, उस दीपक की ज्योति से दूसरे दीपक को जला दिया जाता है तो दोनों एक स्वरूप होते हैं। तभी तो कहा है तुम स्वरूप तुम्हें स्वरूप, तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारा को लखे ब्रह्मानंद रसंग। हम संध्या आरती गाते समय ये तो कह देते हैं तुम सतगुरु दीपक भय की हो जो आप समान, किंतु इस संसार में स्वयं को सभी सुंदर साथ के आत्मा के समकक्ष मानना और स्वयं के स्वरूप को राज्य के समकक्ष मानना व्यवहार में बहुत कठिन होता है। इस रस की अनुभूति तो केवल चितुनी की गहन अवस्था में ही हो सकती है जिसमें हमारे सारे बौद्धिक भाव, मानसिक भाव, लौकिक भाव समाप्त हो गए होते हैं, जीव भाव समाप्त हो गया होता है, आत्मा परात्म के श्रृंगार में सचकर राज्य के सामने प्रस्तुत हुई होती है। और जब उस भावना में हमें जो रस मिलेगा वही मैं खुदी की यथार्थ पहचान होगी और उस पहचान को सैकड़ों चौपाइयों में तारतम वाणी में दर्शाया गया है, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीकों से, किंतु हम पढ़ते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, किंतु यथार्थ रूप में उसको समझ नहीं पाते कि प्रीतम ने किस लक्ष्य के लिए हमें ये वाणी दी है। इसलिए सिंधी वाणी के आखिर के जो तीन प्रकरण है, आशिक का गुना, हुक्म की पहचान और मैं खुदी की पहचान। हुक्म की पहचान का तात्पर्य यह है राज्य के दिल की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, हम भी तो उनके दिल के अंग हैं। हक के दिल के अंग जो धनी सो तो तुम्हारे अर्स, देखे सुने बातें कहें ले वे तुम्हारी वाणी की खुशबू है। हम राज्य के दिल हैं, राज्य के दिल के अंग हैं, हमारे और उनमें कोई भेद नहीं। उनके दिल की इच्छा हो रही है तो हमारी इच्छा, जो वो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, हमारे और धनी के बीच में कोई पर्दा नहीं है। किंतु ये बातें तो केवल पढ़ करके कही जा रही है, वाणी का चिंतन करके कही जा रही है। हो सकता है कि इसको हम अनुभव में चरितार्थ करें और इसको अनुभव में प्रत्यक्ष फलीभूत देखने के लिए हमें चितवन की गहराइयों में स्वयं को डुबोना होगा। कर्मकांड की बेड़ियों को जब तक हम पूरी तरह से तोड़ नहीं देते, अपने हृदय को निर्मल नहीं कर पाते,
परम धाम के परात्मिक दृष्टि से स्वयं को देखने का प्रयास नहीं करते तब तक वो लक्ष्य प्राप्त होने वाला नहीं है। और इसलिए इस पहली चौपाई में महामती जी ने कह दिया है, ये क्यों जावे पीड़ से जो दूजी हके दई देखा है। धाम धनी ने मैं खुद को छोड़ने के लिए बार बार प्रेरित तो खिलवत के प्रारंभिक प्रकरणों में भी किया है, किंतु यह प्रकरण स्वयं की पहचान दे रहा है कि हम स्वयं को जान जाए यथार्थ में हम कौन है। मैं आशा करता हूं कि सब सुंदर साथ स्वयं को पहचाने और इसको बौद्धिक धरातल पर झिकझिक करके नहीं, बहस करके नहीं, चौपाइयां बोल बोलकर अपनी बात को सिद्ध करने से यथार्थ अनुभव नहीं होगा। यथार्थ अनुभव तो तब होगा जब हम चितनी में स्वयं डूबेंगे। हाँ, वाणी की चौपाइयों की साक्षी देकर हम स्वयं को तौल सकते हैं कि यथार्थ में हमने मैं खुदी को कितना जाना है। जब तक हम यह लक्ष्य पूरा नहीं करते, जागनी ब्रह्मांड में आना हमारा अधूरा ही रहेगा।